हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी हर्यक। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नंद। आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी ए और बी से। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। तो आज हमारा है तीसरा क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी और 1930 में, ऑप्शन डी 1936 में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1957 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी हम्पी। तो आज का हमारा है पांचवा क्वेश्चन, गैरी बाल्डी पैसे से क्या था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी सिपाही। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नाविक। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी धनबाद। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान स्थित जावर की खानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा या ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन है जस्ट। तो आज का हमारा है आठवां क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर घराना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई या ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 4 जुलाई। हमारा लास्ट क्वेश्चन, 4H क्लब युवाओं का संगठन है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका में। तो ये थे हमारे आज के डेली यूजेस जीके। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा। कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने
क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हो तो आपके पास टाइम टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।